सर क्या बोलते कैप्चा फिलिंग के लिए सर क्या बोलते एक कॉल आया था और जी मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, जी जी तो सर क्या बोल रहे हैं अभी मैं नहीं कर पाया ना, तो उनने बोले थे कि 8,900 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, जी और सर मैंने पे कर दिया। उसके बाद वो क्या बोलते हैं एडवोकेट एक लीगल नोटिस दे रहा है, बोल रहा है समन दे रहा है, तो वो वो आपने बोल रहा है 8,900 जो पे किया, ये भी आपने पे किया, वो भी गलत किया ना, ये भी आपको पे नहीं करना चाहिए था। तो क्या करूं सर। मैं आपको इसमें हेल्प करने के लिए मैंने वीडियोस बनाई है, वरना वो पैसा पे करोगे फिर और मांगे जाएंगे। आप मुझे ना जो भी उनकी डिटेल्स है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, जो भी नोटिस है या जो भी नंबर से कॉल आया, मैं देखता हूँ फिर आपकी हेल्प करता हूँ। अच्छा ठीक है सर। 16 दिसंबर को ना मुझे कॉल आया था वो कैप्चा फिलिंग जॉब के लिए, तो उसने मतलब मैंने हाँ बोल दी थी, पर उसके लिए ना मतलब 10 दिन में 10,000 कैप्चा मतलब फेल करना था, तो मैंने हाँ बोल दिया था। बट मैं एक दिन की, और मैंने उन्हें पहले ही बोला था कि मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ तो कर पाऊंगी या नहीं, पर मैं एक दिन की मैं नहीं कर पाई। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब 7,000 नहीं भी 9,000 देना पड़ेगा। अभी तो 10 डेज हो चुका है, तो आज मुझे आप मेल आया परेशान ना, नहीं हो, आपको कहीं से भी कोई ज्यादा इशू नहीं है। मैं ऑनलाइन जॉब कर रही थी एज अ कैशियर टाइपिंग। तो सर वो ना जॉब एक्चुअली ना फेक था, पहले 2 दिन चला ऐप मीन्स, उसके बाद ना वो ऐप काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा और जो वो जिन्होंने फोन आया था ना, वो कह रहे थे कि कैप्चर टाइपिंग मतलब 10 दिन के अंदर 10,000 करनी है, अगर 10,000 नहीं 9,000 कर लो, अगर आप 10 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाए तो आपको 6,900 रुपया पे करना पड़ेगा। अच्छा तो उन्होंने कहा पैसे आपको देना नहीं, अगर आप नहीं कंप्लीट करते तो आपको पैसे भरना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सर अब क्या करूँ। देखिए, आपको यहाँ पे समझना होगा कि जितने भी ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इन्होंने तरीका अपना बदल दिया है। पहले पहले ही आपसे पैसे ले लिए जाते थे रजिस्ट्रेशन के नाम पे, ज्वाइनिंग के नाम पे, अब आपसे बाद में लीगल नोटिस के नाम पे, कोर्ट के नाम पे, पुलिस के नाम पे आपसे पैसे वसूले जाते हैं। तो कहीं से भी आप इनको पैसे ना दें, ये कम्प्लीटली फेक हैं। आपको कहीं से भी इनसे डरने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ्रेंड में भी कोई फंसा हुआ है तो उन्हें भी आप जागरूक करें। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।